आंखों के आंसू सूख गए, मुंह से बोली नहीं निकल रही। क्या खाना क्या पीना, बिटिया की तस्वीर को एक टक देखे जा रहे हैं। ये हाल है पूजा के परिवार, उनके साथियों और करीबियों का। फिर ये कौन लोग हैं? क्या ये किसी मेले या भोज की दावत नहीं मिलने पर भड़के हुए हैं? बहस किस बात की चल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम सबको फर्क जरूर पड़ेगा ये जानकर ये लोग पूजा के न्याय यात्रा में तमाशा कर रहे हैं। हर लड़ाई खुद को सही और श्रेष्ठ साबित करने के लिए होती है, तो क्या कैंडल मार्च एक दिखावा है? आपको बताएं, कल शाम गोड्डा में कैंडल मार्च निकाला गया था। पुरुषों का दो गुट लड़ रहा है यहाँ, दोनों गुटों में से किसी एक की जीत होगी, पर जीतता तो पुरुष समाज है। तभी पहले अपराध करके श्रेष्ठता जताने की नाकामयाब कोशिश की जाती है। महिलाओं की इज्जत से खेलकर और मारकर पुरुष खुद को जीता हुआ महसूस कर सकता है, पर असल में उसकी परवरिश की हार होती है। पूरा गोड्डा शोक में डूबा है, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा को न्याय दिलाने से ज्यादा जरूरी है? या पुरुष का एक वर्ग जो महिलाओं की दिल से इज्जत करता है, उनमें शामिल होकर बाकी पुरुष कैंडल मार्च में भीड़ ज्यादा करने गए थे? लड़ते लोग किस समाज के हैं, किस राजनीतिक पार्टी के हैं या पूजा के रिश्तेदार हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कैंडल मार्च शांतिपूर्ण किया गया विरोध है, तो इसकी प्रवृत्ति बदलने का प्रयास ना करें। जरूरी पूजा को न्याय मिलना है, साथ ही इस तथाकथित शांतिपूर्ण विरोध में शामिल हुए सभी युवाओं और उस समाज जो पूजा को न्याय दिलाना चाहता है, उनसे एक उम्मीद जरूर रहेगी कि वो दिल से महिलाओं की इज्जत करें और भविष्य में किसी महिला के इज्जत और आत्मसम्मान से न खेलें।